जानेंगे तिरुमाला तिरुपति मंदिर के बारे में। तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ये मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से माना जाता है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्त अपने सिर के बाल दान करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो अपने बालों का दान करता है उसे भगवान 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही साथ बालों को दान करने से माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। दोस्तों, बालों को दान करने के पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता लक्ष्मी विष्णु से रुटकर पृथ्वी लोक चली आई तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें मनाने के लिए वेंकटेश का रूप धारण किया और वो भी पहुंच गए धरती पर। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु एक चीटे के टीले में निवास करने लगे जहाँ पर हर रोज एक गाय आती थी। यहाँ अपने स्तनों से दूध देकर चली जाती थी और उसी दूध को भगवान विष्णु हर दिन पिया करते थे। एक दिन ऐसा करते हुए उसके मालिक ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी को दे माया। लेकिन गलती से वो कुल्हाड़ी सीधे भगवान के सिर पर जाके लगी जिससे घायल होकर भगवान जमीन पर गिर गए और साथ ही उनके थोड़े से बाल भी कट गए। जैसे ही ये बात गंधर्व राजकुमारी नीला देवी को पता चली तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपने बालों को उखाड़ कर अपनी शक्ति से उसे भगवान के सिर पर लगा दिया। तब भगवान विष्णु ने नीला देवी को आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से आपने मेरे लिए अपने बालों का परित्याग किया है या आपका बालों का बलिदान याद रखा जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। तब से भक्त अपने बालों का बलिदान करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, तो चलिए आप जानते हैं ऐसे तथ्य जो बड़े ही रोचक हैं, जो भगवान तिरुपति मंदिर में आज भी देखे जाते हैं। सबसे पहला है स्वामी पुष्पकर्णी कुंड। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीहरि ने कुछ समय के लिए तिरुमाला स्थित स्वामी पुष्पकर्णी कुंड के किनारे निवास किया था और आज भी ये कुंड विद्यमान है। इसी कुंड के जल से मंदिर के सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। किसी अन्य कुंड से या किसी अन्य स्रोत से पानी नहीं लिया जाता। दूसरी रहस्यमय बात यह है कि बालाजी की प्रतिमा से पसीना आता है। मंदिर में बालाजी की जो प्रतिमा है जो कि विशेष पत्थर से बनी है, ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। उनके प्रतिमा पर पसीने की बूंदें अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बालाजी की पीठ को जितनी बार साफ किया जाता है वहाँ पर पानी निकल ही आता है और इसीलिए मंदिर में तापमान को कम रखा जाता है। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर बालाजी का वास है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति में बालाजी का वास होता है। मूर्ति जीवंत रूप में निवास करती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की प्रतिमा के पृष्ठ भाग को कान लगाकर सुना जाए तो उसमें से समुद्र की ध्वनि आती है। अब यह ध्वनि कहाँ से आती है ये भी एक रहस्यमय की बात है। इस मंदिर की तीसरी विशेष बात यह है कि भगवान यहाँ पर एक ही स्वरूप में दोनों ही अवतारों में निवास करते हैं। कहते हैं कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, इसलिए यहाँ पर बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। चौथी रहस्यमय बात यह है कि बालाजी के बाल असली है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली है जो कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। ये बाल कैसे असली है इसका रहस्य कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि मंदिर में भगवान के बाल कब से है ये कोई नहीं जानता और इनके बाल आज भी असली बालों जैसे दिखते हैं। और इस मंदिर में एक ऐसी छड़ी रखी गई है जिससे बचपन में ही बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से बालाजी को चोट आई थी और इसी कारण उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है। एक ईश्वर की पिटाई एक ऐसी बात है। यही इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ भक्त अपने भगवान से बहुत ही प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि भगवान को भी ठंड लगती है, भगवान को भी प्यास लगती है। यहाँ ऐसी भक्ति देखने मिलती है और इससे हमें
खुशी मिलती है कि हमारे भगवान हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। छठी आश्चर्यजनक बात यह है कि मूर्ति के भीतर के रहस्य में आवाज़ आती है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज़ कैसे और कहाँ से आती है, किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक कोई बता नहीं सकता। बहुत सारे पंडितों का कहना है कि यह आवाज़ वैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु के मन के अंदर चल रही क्षीर सागर की ध्वनियों से उत्पन्न आवाज़ है। सातवां है कि भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी जी की आकृति है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की अस्पष्ट आकृति दिखाई देती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में निवास करती है। आठवीं रहस्यमय बात यह है कि यहाँ का दीपक कभी नहीं बुझता। दोस्तों, बालाजी के इस मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। ताज्जुब की बात यह है कि इस दीपक में घी या तेल डाला नहीं जाता, फिर भी ये दीपक लगातार जलता आ रहा है। यहाँ तक कि ये भी ज्ञात नहीं है कि इस दीपक को सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। इस मंदिर की 9वीं विशेष बात है दोस्तों, पचाई कर्पूर। कहते हैं भगवान बालाजी पर पचाई नाम का कर्पूर लगाने से कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि इस पचाई नाम का कर्पूर लगाने से पत्थर में दरारें पड़ती है, पर इसे लगाने से बालाजी की मूर्ति को कुछ नहीं होता। इस मंदिर में 10वीं विशेष बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर में बालाजी मंदिर के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाएं तरफ के कोनों में खड़े हैं, और अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि वे मध्य भाग में विराजमान हैं। साथ में इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो तिरुपति के 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर अन्य लोगों का प्रवेश निषेध है, और उस गांव के लोग बड़े ही शुद्ध तरीके से रहते हैं, और उन्हीं के यहाँ से घी, दूध, चंदन आदि आता है, उससे भगवान की पूजा अर्चना होती है। भगवान पर जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वे गर्भगृह से सीधे बाहर नहीं आती, बल्कि भगवान के मूर्ति के पीछे जल का कुंड है जिसमें बिना पीछे देखे वे सभी सामग्रियां प्रवाहित कर दी जाती है, जो वहां से सीधा 20 किलोमीटर दूर जाकर सतह प्राप्त दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी बालाजी तिरुपति की कहानी और रहस्यमय तथ्य जो मंदिर को विशेष बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।